शनिवार को नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न मामलों का निराकरण किया गया और नगर निगम, बिजली विभाग सहित सभी बैंकों की अदालतें लगाई गई। नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे न्यायालय परिसर में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण जी से मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। न्यायाधीश मिश्रा ने नेशनल लोक अदालत में समझौता द्वारा प्रकरण का निराकरण करवाने से होने वाले लाभ और सस्ता, शीघ्र, सुलभ न्याय की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए प्री लिटिगेशन प्रकरणों में शासन द्वारा प्रदत्त अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करवाने के लिए अपील की। न्यायालय परिसर में 7 खंडपीठ पर 500 लंबित और 10,000 प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए काउंटर लगाए कर नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों का समझौते के आधार पर निराकरण किया गया, जिसमें विद्युत विभाग नपा द्वारा प्रदाय किए जाने वाली छूट का लाभ भी पक्षकारों को प्राप्त हुआ। न्यायाधीश गण, अधिवक्ता गण, कर्मचारी गण और पक्षकारों के सक्रिय सहयोग से नेशनल लोक अदालत का आयोजन सफल रहा। खरगोन से हबीब आजाद की रिपोर्ट। जो है प्रथम लोक अदालत है जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एस के जैन साहब के निर्देशन में यहां पर खरगोन मुख्यालय में कुल 7 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें हमने नियमित 500 प्रकरण रेफर किए हैं। इसी तरीके से लगभग 10,000 प्री लिटिगेशन केसेज जो है रेफर किए गए। ये केसेज विद्युत विभाग और नगर पालिका और सभी बैंकों के हैं, BSNL के हैं, जिनमें जो है जो वसूली से संबंधित है और उनमें पक्षकारों को नोटिस किया गया है और बड़ी संख्या में पक्षकार न्यायालय परिसर में उपस्थित हो रहे हैं और आशा है कि उनको जो है जो छूट मिल रही है वो उनका लाभ उठाएंगे। इसी तरीके से हमारे न्यायालयों में जो है राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण है और धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकरण जो चेक से संबंधित होते हैं, इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम के प्रकरण रेफर किए गए हैं, जिनमें पक्षकार जो है उपस्थित हो रहे हैं और संभावना है कि उसमें काफ़ी मात्रा में राजीनामा हो जाएगा। लोक अदालत का सबसे अच्छा लाभ ये होता है, इसमें दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष की ना तो जीत होती ना हार होती है, क्योंकि मामला आपसी समझौते से निराकृत किया जाता है। उसका लाभ ये रहता है कि एक तो प्रकरण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसकी अपील नहीं हो सकती, दोनों पक्षकार आपस में संतुष्ट महसूस करते हैं। और आर्थिक पहलू से देखें तो जिन मामलों में किसी भी तरह की कोर्ट फीस लगी हुई है, चाहे वो सिविल केस हो चाहे धारा 138 के केस हो, वो फीस पक्षकार को वापस हो जाती है। और जो चेक से संबंधित मामलों में आजकल प्रशमन राशि होती है जो लगभग 10% होती है, उसमें भी छूट प्राप्त हो जाती है और कई बार तो पक्षकार के आर्थिक उसको देखते हुए 1% राशि में ही अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो यह अपेक्षा है कि अधिक से अधिक लोग जो है विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली छूटों का लाभ उठाते हुए आज अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो पाएगा। धन्यवाद।